नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टिकट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील यादव का क्षत्रिय समाज के प्रति बेतुका बयान पर भड़के लोग। जनपद उन्नाव की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस कदर तक गिर सकते हैं, यह समाजवादी पार्टी की पराकाष्ठा एक जन संदेश यात्रा में देखने को मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से MLC सुनील सिंह यादव की, जिन्होंने एक निजी चैनल के डिबेट के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवक्ता से ऐसी गलती की उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने क्षत्रिय समाज को अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम कहकर संबोधित किया। ऐसे में जहां एक ओर क्षत्रिय समाज के अंदर क्रोध की ज्वाला धधक रही है, वहीं कड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरू सिंह की दूरभाषा पर MLC सुनील सिंह यादव की हुई खास बातचीत के कुछ अंश आपको समाचार टुजेट के माध्यम से सुनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गलती करने के बाद सफाई पेश कर रहे हैं। आज की राजनीति खेमे में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हर तरफ बढ़ती कबीलाई व्यवस्था ने अपने परचम लहरा दिए हैं। हर जाति का एक नेता खड़ा हो गया है और दूसरी जाति के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है। ऐसी गंदी राजनीति से सर्व समाज को सबक लेने की आवश्यकता है कि ऐसे नेता और जनप्रतिनिधि जो लड़ाने की राजनीति करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे कड़ी सेना के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वीरू सिंह ने व्यतीत होकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता MLC सुनील सिंह यादव से दूरभाषा पर लंबी बातचीत की तथा राजपूतों के इतिहास के विषय में भी पूछा। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी ही कही बात पर सफाई देते नजर आ रहे हैं सुनील सिंह यादव। समाचार टुचैट के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। चार दबाएं और कंफर्म करने के लिए आए हुए SMS पर रिप्लाई करें। हेलो, MLC साहब से बात हो रही है हमारी? हाँ भैया। भैया, वीरू सिंह बोला था, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना MLC साहब। हाँ बोलिए भैया। भैया, कल का स्टेटमेंट क्या आपका लीगल स्टेटमेंट था कि पार्टी का स्टेटमेंट था? नहीं, पार्टी का स्टेटमेंट क्यों था? अच्छा, ये आपका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था? हमारा व्यक्तिगत मानिए, देखिए क्या था उसमें, उनको लगा कि मैं उन्हें कह रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए, हम लोग सदन में इस बात से सहमत हैं, इनको आरक्षण। मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जी, एक मिनट में। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मुझे राजनीति पता है। मैं एक समाज का सिपाही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ता हूँ, करणी सेना का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आपसे मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जिम्मेदारी पद पे हैं, आप एक बड़े पार्टी के प्रवक्ता, साथ में आप MLC भी हैं। जी, आपके पास कोई साक्ष्य ऐसा कि हम लोग मुगलों के गुलाम थे, ऐसा कोई साक्ष्य क्या? क्या चीज? मुगलों के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम हम लोग, तो ऐसा कोई साक्ष्य आपके पास? नहीं, तो ये मैंने कब कहा? आपका वीडियो है मेरे पास। तो वीडियो में देखिए, मैंने कहा कि आज जो राजा हैं आजादी के बाद, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम थे। मैंने राजपूतों को तो नहीं कहा। राजपूत तो मानो हमारी मित्र है। राजपूत को इंडिकेट करके MLC साहब बोला है कि आपने ये बोला कि अंग्रेजों के और मुगलों के गुलाम थे। राजाओं को मैंने बोला, आप जो आजादी के बाद राजा हैं, आप पूरे कम्युनिटी को कैसे बोल सकते हैं? हम कभी बोलेंगे? कम्युनिटी को कहाँ बोलना है? आपने पूरे आपके पार्टी में राजपूत नहीं है? अच्छा, राजपूत नहीं मिलता है? हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ आपको। राजपूत आपके पास, भैया मैं बताता हूँ आपको ना, आपके पार्टी में मैक्सिमम राजपूत MP MLA रहे हैं। आपके पास राजपूतों का वोट भी है आपके पार्टी में, ऐसा नहीं है? मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोग, मेरे बहुत संबंधी हैं आपके पार्टी में। मैं कोई राजनीतिक पेश नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूछना, मेरा एक अधिकार है आपसे। आप जन मेरी बात सुनिए अध्यक्ष जी। जी, मुझे लगता है कि आपको एक बार मेरा वीडियो फिर देख सुनना चाहिए। जानते हैं भैया जी, मैं कभी भी किसी पे कभी फोन नहीं करता हूँ, मेरी ये नेचुरल आदत है।
नहीं मैंने केवल आपको एक बार कल भी फोन किया था, आपका फोन रिसीव नहीं हुआ, अभी फिर आपको मैंने फोन किया है इसलिए कि मुझे आपसे मिलके इस पर बैठ के चर्चा करनी है। आपके पास जो एक कम जानकारी है उसकी पूरी जानकारी मुझे आपको देनी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरा कल का वीडियो अभी भी सुनेंगे अध्यक्ष जी, तो आप जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं राजपूत से, वो राजपूत से कनेक्ट वाली बात ही नहीं थी। मैं ये कहा और मैं इस बात को फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे जी, बताइए कि जो भी राजा केवल राजपूताना घराना तो था नहीं भैया, राजा मानो थे, राजा मानो यादव थे, 526 राजपूत रजवाड़े हैं थे। हाँ ठीक है, एक मिनट और आपको बता दो, 1952 में विनोबा भावे जब यज्ञ हुआ, भूदान यज्ञ हुआ ना, समता मूलक समाज की स्थापना की, राजपूतों ने अपने रजवाड़ों को दान किया है, नहीं तो किसी की औकात नहीं थी, कोई छीन पाता। ये आपको मैं बता दूं, ये अगर आप लोगों को ये पूरी, हमने कहा ना हम मिलके आपको पूरी जानकारी देंगे, 125,000 जमींदारी, 568 रजवाड़ों को एक सेकंड में हम लोगों ने देश में ऐसे मिला दिया जैसे कोई हम कुछ जानते ही नहीं थे, राजा से रंक हो गए समाज के लिए। नहीं राजा से रंक वाली बात नहीं, नहीं आपने ये बोला ना आप हमारे 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 लोग जो थे मुगलों के और अंग्रेजों के गुलाम थे। अच्छा देश आजाद, मैं कह रहा हूँ आपने सुना है या आपको किसी ने बताया है? भैया मैं ही आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, न्यूज 18 पे आपका वीडियो, न्यूज 18 हमारे, आप मेरा एक बार फिर सुन लेंगे अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। मैं भैया ना अनुरोध ये कर रहा हूँ ना कि आप मुझसे मिलके इस पे बताइए ना कि आपका लीगल स्टेटमेंट दीजिए, मुझे इसका लीगल स्टेटमेंट चाहिए भैया, किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं लीगल स्टेटमेंट ये फिर दे रहा हूँ कि आजादी के बाद जो राजघराने थे हाँ? वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के खिलाफ थे हाँ? मैं फिर कह रहा हूँ प्रूफ दीजिए, इसका मतलब राजपूताना नहीं, इसका प्रूफ दीजिए ना, इसका कौन सा प्रूफ है आपके पास? मुझे लगता है मैं राजस्थान का प्रूफ दूं आपको, आप भैया दो ना, आप मुझे प्रूफ दो ना कि राजस्थान के रजवाड़े जो थे आजादी हाँ। के बाद अंग्रेजों के कहीं ना कहीं खिलाफ लोगों के खिलाफ थे अंग्रेजों के साथ, इसका एक प्रूफ चाहिए लीगल। भैया ऐसा है देखिए, मैं जितना इतिहास जानता हूँ, इतिहास आपको नहीं पता है, आपको पता ना, आप हो के बारे में, मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ अध्यक्ष जी, तो आप जब इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहे हैं मंत्री साहब, तो आप इतना भी इतना छोटा सा इतना कहते ना कि इतना निम्न स्तर का बयान कैसे जारी कर सकते हैं, कैसे बोल? अरे भाई मैं कह रहा हूँ मेरा वीडियो देखिए, आप उसको आप बिरादरी से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं बिरादरी से क्यों नहीं कनेक्ट करूं भाई, आपके बारे में आपके समाज के बारे में बोला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप क्या पता है इतिहास के बारे में, क्या आप ये बताइए ना महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था पता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। जब आपको ये महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, शिवाजी का क्या, शिवाजी के तलवार का क्या नाम था, आपको पता है? नहीं, आपको पता है कि कितने राजपूत कमेटी के लोग शहीद हुए हैं देश की आजादी में, पता है क्या? नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है, जब आप इतिहास के बारे में सुन रहे हैं, तो आपको बयान देने की आवश्यकता क्या थी मंत्री साहब? बस यही मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने किसी जाति के खिलाफ बयान नहीं दिया, मैंने जो राजघराने आजादी के बाद किसके राजघराने थे, किसके थे, या मैं ये कह दूं हाँ। कि जब इस देश में संविधान लागू हो गया हाँ? तो मेरा जो सवाल था कल का हाँ? कि भाई संविधान लागू होने के बाद कौन सा राजघराना? एक बात आपसे पूछूं मैं? हाँ पूछिए, मतलब बहुत हिंदी में एक बात आपको पूछूं, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है हाँ, जब उस पार्टी की गवर्नमेंट रही है हाँ। एक परिवार में 26 लाल बत्ती थी, वो राजघराना नहीं बना था? कौन सा राजघराना? आपका अखिलेश यादव जी का पूरा कुनबा लाल बत्ती लेके घूम रहा था, तब वो राजघराना नहीं था? वो राजघराना नहीं, डेमोक्रेसी में कोई राजघराना नहीं है। एक बात मैं बताऊं आपको, जब अपने पे बात आती है ना एमएलसी साहब, तो तकलीफ ऐसे ही होती है। नहीं होती, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो देखिए आपको इतिहास के बारे में जो कुछ नहीं पता है, तो आपने अगर मेरी बात सुनिए जी, बताइए, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, आप बताइए हमको, आप मेरे दोस्तों की सूची देख लीजिए, हम जात पर कभी काम नहीं करते, ना जात पे मानते हैं। मुझे लगता है जितने राजपूताना आपके दोस्त होंगे आप, क्योंकि उस बिरादरी के हैं, उससे कम ठाकुर बिरादरी के दोस्त मेरे नहीं होंगे जिनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं।
तो आप अगर ये बार बार फोकस करके जैसे आप ये बिरादरी के खिलाफ आप ये बोल रहे हैं ना कि आपके मित्र होंगे ना, मेरे भी बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे समाज में अगर हम आप रह रहे हैं तो मित्र तो सभी होंगे ना। लेकिन आज तक फिर हमने कभी, हम भी बहुत टीवी डिबेट में बैठे, हमने भी बहुत कुछ किया है, हमारे भी बड़े बड़ी बड़ी, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बड़े बहुत उच्च पद पे हैं, लेकिन हाँ अपने समाज के लिए एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? मैं बताऊँ ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ धर्म के सुन लीजिए नहीं किया हूँ। अजय जी सुनिए, आप मैं ये फिर कह रहा हूँ कि जिस चीज को आप ये मान रहे हैं कि मैंने किसी जाति विशेष को कहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी जाति विशेष को नहीं, और ये बात आप पूरा वीडियो सुनिए, मैंने जब एंकर ने इस बात को दोहराया तो मैंने फिर कहा कि ना गलत, मैं किसी जाति विशेष को नहीं कह रहा हूं, जानते और आपसे भी कह रहा हूं, जानते हैं मैं करने वाला एक छोटा सा ना लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है, जानते हैं क्या जी? जी आप भी बहुत संघर्ष किए हैं, आप केकेसी से छात्र संघ, मैं तब से आपका नाम जानता हूँ जब पोस्टर उस पर लिखा जाता था, मैं देखता था लखनऊ में कभी हम लोग जब पढ़ते थे, शायद मैं जूनियर हूँ आपसे, बहुत मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है संघर्षों से बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, ठीक है? ठीक है, हमारे समाज ने ना इतना संघर्ष किया, ठीक है? आपका संघर्ष बिल्कुल सुनूंगा, एक मिनट, आपको ये क्यों लगता है कि मैं किसी जात के खिलाफ हूँ? नहीं, मुझे ना भैया हकीकत बताता हूँ आपको कि मुझे तकलीफ इस चीज की नहीं है कि आपने कुछ बोला, आपने मुझे तकलीफ इस बात की ना, हमारे लोगों को आपने बोला, हमारे पूर्वजों को बोला, भाई कैसे बोल सकता हूं मैं, गुलाम थे ये स्टेटमेंट का मतलब। अभी ये बताइए, आप जिसका नाम ले रहे थे, मतलब मेरा जैसा आदमी राणा प्रताप के खिलाफ बोलेगा, शिवाजी के खिलाफ बोलेगा, आप वो नाम गिना रहे हैं जो एक हिंदुस्तानी के किसी के सामने नाम रख दोगे तो अपने आप रोए खड़े हो जाते हैं, उनकी वो कहानियां हैं। अगर लोगों के अंदर आई ना, आपका वीडियो आना चाहिए, आपका एक वीडियो आना चाहिए और उसमें विद क्लेरिफिकेशन वीडियो आना चाहिए, ये आपको ये करना चाहिए, गलतफहमी जो चाहिए ना आपके एक सेंटेंस। मैं ये अध्यक्ष कह रहा हूँ, गलतफहमी किस बात को लेके आई? गलतफहमी इस बात को, मैं किसी समाज के खिलाफ डिबेट को बोला, जब आपके बारे में नहीं बताता तो आपको जरूरत क्या? मैं कह रहा हूं आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का बेस वो ठाकुर है। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, है ये 100% फैक्ट भी मैं कह रहा हूं, ये 100% फैक्ट है, और उसके बाद भी आप राजपूत कम्युनिटी पे इतना छोटा सा, इतना कहते हैं ना कि मेरे शब्दों में बयां किया जाए तो ये बहुत ही निम्न स्तर का बयान था आपका। देखिए फिर मैं देखिए आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ। तो मैंने तो कहा ना कि आप बैठिए, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ ना, कहा मुलाकात, मैं ज्ञान दूंगा। आप आइए, घर आइए, या आप बताइए, हम आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो लखनऊ, मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ, पूरी टीम वहाँ पे आपके लिए खड़ी है, आपके स्वागत सम्मान के लिए। कहाँ पे? आपको लखनऊ में आपका स्वागत सम्मान क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या विरोधी तो विरोध प्रदर्शन ही तो आपके खिलाफ कर सकते हैं ना भाई? मैं कह रहा हूँ माननीय पद पर क्या विरोध, आप माननीय कह रहे बैठे हैं भाई, आपका विरोध करना ही पड़ेगा ना, कि आपके द्वारा जो बयान दिया गया राजपूत कम्युनिटी के, उसका तो विरोध होना ही होना चाहिए। तो किस मैं कह रहा हूँ कि आप मैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टाइम लिया हूँ मिलने का, मुझे आपकी बात उनसे भी रखनी है कि आपका जो बयान है राजपूत समाज के लिए, उनके पास राजपूतों का वोट बैंक है, क्यों आपने ऐसा बयान दिया राजपूतों का? भाई राजपूत समाज के लोग राजपूत के खिलाफ क्यों होंगे और पार्टी क्यों होगी? हम तो पार्टी के प्रवक्ता है, आपके द्वारा जो बयान दिया गया पार्टी का बयान है ना, पार्टी इसका क्लेरिफिकेशन दे। मुझे लगता है कि आपको मेरा जो डिबेट था उसको एक बार अध्यक्ष फिर देख लें भैया, मैं 7 से 8 पूरा आपका डिबेट देखा हूँ, और आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने बिरादरी के खिलाफ बोला है, अगर आप ये साबित कर देंगे तो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं समाजवादी वर्कर हूं, मैं किसी जात के खिलाफ नहीं हो सकता हूं, अगर
ये आप साबित कर देंगे कि मैंने जाति के खिलाफ बोला है तो मैं समाज से माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर आप साबित कर देंगे साबित मैं बताऊंगा, एक शब्द जो होता है, एक शब्द उसको साबित करने के लिए कोर्ट में 20 साल लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट के जरिए नहीं, आपने जो आपने जो गुस्से में बोला ना, कहते ना कि आदमी बोलते 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 भावुकता में बहुत कुछ बोल जाता है। आपने भावुक होके बोले हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, भावुकता में आपने जो बोल दिया वो नहीं बोलना चाहिए था, एकदम नहीं बोलना। कह रहा हूँ मैं, आप माननीय पद पे हैं, मैं कुछ नहीं, देखिए माननीय कुछ नहीं होता, देखिए जी, लेकिन जब तक मैं बात हुई है, राजपूत समाज ने देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या त्याग किया ना, मुझे ये आपको बताना है। अरे तो राजपूत के खिलाफ मैं कहा हूँ, तो वीडियो राजपूत से क्यों बैठिए ना, एक न्यूज डिबेट में फिर बैठिए, बताइए कि मैंने जो बोला है वो मेरे द्वारा कहीं ना कहीं आवेश में आके बोला गया बयान था। अरे भाई आवेश में आकर के बोला गया बयान क्या था भाई, अगर मैं बिरादरी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं कह दूंगा कि भाई मुझसे गलती, बिरादरी के खिलाफ, लेकिन मैं बिरादरी के खिलाफ नहीं बोला। आप अपना बयान फिर से देखिए। हाँ मैं देख, और मैं आ रहा हूँ शाम को, जरूर हमसे मुलाकात आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल हो, ठीक है, मैं फोन करता हूं और मैं मुलाकात जरूर करूंगा, क्योंकि जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक वहीं पे ये समझ लीजिए कि फिर वीरू सिंह नहीं पूरी टीम करनी सेना वे लखनऊ में धरने पर रहेगी, जब तक आप तो एक मिनट भी धरने में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं फोन करता हूं पहुंच के, आपसे मुलाकात होनी चाहिए बस मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जय माता जी, धन्यवाद।